रामपुर थाना प्रभारी राहुल उपाध्याय रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। उन्हें 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि फरियादी राघवेंद्र कुशवाहा से मिट्टी खोदने और डालने वाली जेसीबी को चलाने के एवज में थाना प्रभारी 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। वही रामपुर थाने में लोकायुक्त की कार्यवाही जारी है। मुरैना से धर्मी पचौरी की रिपोर्ट। एक राघवेंद्र कुशवाहा निवासी जारोली, इन्होंने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में आके शिकायत की थी कि रामपुर थाने के थानेदार राहुल कुशवाहा, उनसे उनकी जेसीबी और ट्रैक्टर जिससे वो मिट्टी खोदते हैं और डालते हैं उसको चलाने के लिए 10,000 रुपये मांग कर रहे हैं। उस पे से आज उनको 10,000 रुपये लेके राघवेंद्र कुशवाहा इनको देने के लिए आए थे। ट्रैप आयोजित किया गया था तो जिसमें उनको 10,000 रुपये थाना प्रभारी राहुल कुशवाहा से बरामद किए गए हैं। राहुल उपाध्याय सॉरी से बरामद हुए हैं और कार्यवाही अभी हमारी चाल रही है। सर राघवेंद्र कुशवाहा जो है ना, कितने पैसे का था काम है? कितने पैसे का? 10,000। ये तो सेम रेट माफिया का काम करती है। कितने भाई, कोई माफिया है या नहीं है इस बात का देखने का काम हमारा इस बात को लेकर खत्म नहीं हो जाता कि कोई लोक सेवक उससे भ्रष्टाचार के रूप में किसी रिश्वत राशि की मांग करे, इसलिए ये ट्रैप आएगी।